नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। आखिर से आज पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले छह दिन के अंदर ये पांचवीं मरतबा ऐसी बार हुआ है जब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली के अंदर पेट्रोल की बात करें तो 50 पैसे का इजाफा किया गया है, डीजल की बात करें तो 55 पैसे का इजाफा किया गया है। अब इसके बाद से पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर हो गई है, तो डीजल का दाम भी 90 रुपए से पार हो चुका है। तो यहां आपको बताया कि पिछले छह दिन के अंदर पांचवी बार ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। यहां आपको बता दें कि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़े हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, तो दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं। और यहां आपको बताया कि बड़ी बात यह है कि छह दिन के अंदर 5 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। तो देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। आज पेट्रोल डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 50 पैसे और डीजल के दाम 55 पैसे बढ़ चुके हैं। और इसके बाद से राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 11 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 90 रुपए 42 पैसे हो चुकी है। कल राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी और आज एक बार फिर से दाम बढ़ गए हैं। यहाँ आपको बता दें कि 4 महीने से पेट्रोल डीजल के दामों पर ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। यहां आपको बता दें कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। 4 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद से मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया गया था और उसके बाद से पिछले 6 दिन के अंदर यह 5वीं मर्तबा है जब ईंधन महंगा हुआ है और लोग इस महंगाई का दंश झेल रहे हैं। इस बारे में कि डीजल इतना महंगा होता जा रहा है दिन पे दिन, ये सही नहीं है, थोड़ा डाउन होना चाहिए। लेकिन मैं क्या, डीजल तो डलवानी है, महंगा हो या सस्ता, बाकी हाँ महंगा तो हो ही रहा है, जेब ढीली होती जा रही है। कहना कि रोज हर बार ही दाम बढ़ते हैं, थोड़ा सा सरकार इस तरफ देखे, पर वैसे गवर्नमेंट के साथ हैं हम, बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा युद्ध का भी माहौल चल रहा है, उसकी वजह से भी थोड़ा फर्क आ रहा है मार्केट में। देखिए मार्केट में फर्क तो देखने की कोई, सब जगह चल रहा है, हर देश में चल रहा है, तेल का तो दाम ऊपर नीचे हर जगह ही हो रहा है। पर ये है कि थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट अपने टैक्स घटा दें, अपने जो राज्य की गवर्नमेंट है वो अपने टैक्स थोड़े कम कर दें, तो तेल के दाम घट जाएंगे, क्योंकि एक्साइज इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जीएसटी में नहीं है। ये क्या करें, जनता की बस हालत खराब कर रहे हैं लोग, क्या कर सकते हैं। थोड़ा जहाँ रुका हुआ था वहीं रोक देते, अब धीरे धीरे फिर बढ़ते जा रही है गाड़ी, जल्दी एक्शन खत्म हो गए थे। तो पिछले 6 दिन में 5वीं बार बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल डीजल के दामों में। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। दिल्ली में 50 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, तो डीजल की कीमत में 55 पैसे का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 99 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है दिल्ली के अंदर। वहीं डीजल की अगर बात करें तो डीजल भी 90 के पार पहुंच चुका है। तो आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। 6 दिन की अगर बात करें तो 6 दिन के अंदर 5वीं बार ये पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल का दाम 90 रुपए से पार चल रहा है। यहां आपको बता दें कि लगातार महंगाई की मार झेल रहे हैं आम आदमी, आम जो जनता है वो इस महंगाई का दंश झेल रही है और एक बार फिर इसी कड़ी में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि महंगाई चुनावों के बाद बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम जो है, जो ईंधन की कीमत है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि जल्द से जल्द इस समस्या का कोई समाधान होना चाहिए, पेट्रोल डीजल के दामों पर अब रोक लगनी चाहिए। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो इसका सीधा सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है और इसकी वजह से जो आम आदमी है उसका जो रसोई का बजट होता है, जो घर का बजट होता है, वो भी बिगड़ जाता है। यहाँ अगर बात करें डीजल की, तो डीजल के दाम बढ़ने की वजह से सब्जी मंडी में जो सब्जियाँ आती हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो माल ढुलाई होता है वो डीजल के वाहनों का ही होता है और इसी वजह से जो सब्जी के रेट होते हैं वो सब्जी मंडियों में बढ़ जाते हैं। और इसके बाद जो सब्जियाँ लेने आते हैं ग्राहक, उनकी जेब यहाँ पर ढीली होती नजर आती है, क्योंकि महंगी सब्जी उन्हें खरीदनी पड़ती है और यही एक बड़ा रीज़न है की वजह से जो रसोई का बजट होता है वो बिगड़ जाता है। साथ ही अगर एलपीजी की बात करें तो एलपीजी सिलेंडर के भी दाम बढ़ गए हैं। पीएनजी और सीएनजी जो एक ऑप्शन बचा करता था लोगों के पास, क्योंकि सीएनजी में कम खपत लगा करती थी, सीएनजी सस्ती पड़ा करती थी, तो अब इसके दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। तो कुल मिला के कोई ऑप्शन जो है आम जनता पर नहीं छोड़ा गया है। सीएनजी पीएनजी ले लीजिए, एलपीजी गैस ले लीजिए, पेट्रोल डीजल ले लीजिए, सब्जी के दाम देख लीजिए,
सब चीजों के रेट जो है वो बढ़ गए हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो कुल मिला के जो महंगाई है वो बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल की बात करें तो 6 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, 6 दिन के अंदर 5 बार लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। और यहाँ आपको बताएं कि जो पेट्रोल पंप है वहाँ जो संचालक है उनका कहना है कि लोग महंगाई की वजह से कम आने लगे हैं।